हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास LG का एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आया है। इसमें खराबी यह है कि यह स्पिन नहीं कर रहा है। वॉश और रिंस तो अच्छे से काम करता है लेकिन स्पिन नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इसको चालू करके। इसको मैंने ऑन कर दिया। अभी इसमें वॉश और रिंस को तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सीधा स्पिन मोड पर ही चालू करेंगे। ये देखिए, स्पिन का इंडिकेटर ब्लिंकिंग कर रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। ये देखिए, इसमें स्पिन मोड पे सिर्फ पल्सेटर ही घूम रहा है। इसका जो टब है वो टब तो इसका घूम ही नहीं रहा। ये देखिए, अभी इसकी बैक साइड भी हम चेक कर लेते हैं पीछे क्या हो रहा है ड्रेन मोटर की तरफ। ये ड्रेन मोटर है, इसमें से कुछ वाइब्रेशन की आवाज तो आ रही है लेकिन मुझे लगता है ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, अभी इसने इस लीवर को खींचा ही नहीं है। इसमें सप्लाई तो जा रहा है, ये वाइब्रेशन कर रहा है लेकिन यह लीवर को खींच नहीं पा रहा। और इसका वाल्व है, यह ड्रेन वाल्व भी पूरी तरह क्लोज लगता है, ओपन हुआ ही नहीं है। तो जब तक ये मोटर काम नहीं करेगी ये वाल्व भी खुलेगा नहीं और इसका जो लीवर है ये भी खींचेगा नहीं, तो स्पिन मोड पे जाएगा नहीं। सिर्फ मोटर घूम रही है और उसकी वजह से सिर्फ पल्सेटर ही घूम रहा है, इसका टब अभी नहीं घूम रहा है। तो अभी हम ये मोटर को चेंज करके देखेंगे। मैंने इस मशीन में से पानी को पहले निकाल दिया था इसीलिए ये अभी इतना भी घूम रहा है। अगर ये वॉश या रिंस मोड के बाद अगर स्पिन मोड पे जाता तो इसमें पानी भरा रहता, क्योंकि वाल्व इसका ओपन ही नहीं हो रहा, तो उस टाइम ये चलता ही नहीं। चलिए ठीक है, अभी हम इस ड्रेन मोटर को चेंज कर देते हैं। ड्रेन मोटर को खोलने के लिए हमें इस मशीन को एक तरफ झुकाना पड़ेगा। मैं अभी इसे इस दीवार के सहारे खड़ा कर देता हूं। इससे हमें काम करने में आसानी होगी। अब यहां पर देख सकते हो तीन जगह पर बोल्ट लगे हुए हैं, उस समय इस बोल्ट को खोल देना है। थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन आसानी से भी निकल भी जाएगा, बाद में आराम से निकालिए। ये मैंने निकाल दिया। ये पावर का सॉकेट है, उसे भी हम निकाल देते हैं।
ये मोटर को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। ये वाली नई मोटर है, अभी हम इसको फिट कर देंगे। जिस तरह से हमने पुरानी मोटर को निकाला बस उसी तरह से हमें इसको फिट कर देना है। मोटर को मैंने कनेक्ट कर दिया है, इसको पावर सप्लाई का सॉकेट भी लगा देते हैं। आप मोटर को जब इस जगह पर कनेक्ट करते हैं तो इसको अच्छी तरह से आपको चेक कर लेना चाहिए, ये लीवर को, ये वाल को अच्छी तरह से ये कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको चालू करके देखेंगे क्या होता है। डायरेक्ट स्पिन मोड पे चालू करते हैं अभी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो है ड्रेन मोटर पूरी तरह से खींची हुई है और ये वाल भी ओपन हो चुका है। पूरी तरह से अच्छे से काम करने लगा, अभी पूरा टब घूम रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो और यह वीडियो अगर आपको कहीं पे भी काम आता है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।